ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो हम शुरू कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स से। ठीक है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स जो है वो इनमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। दूसरी चीज़, जो कंडक्टर्स होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तीन टाइप के बॉन्डिंग हम करते हैं। और अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर जो है इनमें इस तरह से अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर देखा जाए, बैंड थ्योरी की बात करें, तो इनमें जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकते हैं। इंसुलेटर की बात करें अगर हम, तो इंसुलेटर में ह्यूज गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जा नहीं सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी उनको खर्चा करना पड़ेगा, तब वो एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप कर सकते हैं, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं। और जो इंसुलेटर, जो सेमी कंडक्टर होता है, इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बिटवीन द कंडक्शन इंसुलेटर एंड, सो दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज इंसुलेटर एंड दिस इज सेमी कंडक्टर, राइट। तो सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर और इनकी कंडक्टिविटी होती है। ठीक, जो कंडक्टर होते हैं इनमें जो ईजी होता है, जिसको हम एनर्जी गैप कहते हैं, वो जीरो होता है। ठीक है, जो सेमी कंडक्टर होता है उनका जो फॉरबिडन गैप होता है, ईजी इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, 1.1 या 1 कह दें। ठीक है, और जो इनका जो इंसुलेटर का गैप होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये जान सक ये कह सकते हैं कि मतलब इसमें कितनी ज़्यादा जो है एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, जो इंसुलेटर होता है उसमें अगर मैं बात करूं तो कंडक्शन बैंड प्रैक्टिकली जो है एम्प्टी होते हैं और बैलेंस बैंड फुल होते हैं। ठीक, जिसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को जम कराने के लिए। ठीक, तो इसीलिए इसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसमें कंडक्शन नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इसको इंसुलेटर कहते हैं। ठीक है, अब रही बात सेमीकंडक्टर की, तो जैसे सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, वैसे वैसे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में जंप करने लगते हैं और ये कंडक्टिविटी इन स्टार्ट कर हो जाती है। ठीक, और जो कंडक्टर है उसमें तो आप लो टेम्परेचर पे भी जो है कंडक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई एनर्जी गैप होता नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो रिक्वायर्ड होता है सिस्टम जो है, अब हम यहाँ पर क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप का होता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर दो टाइप का होता है, इंट्रिंजिक और एक्सट्रिंजिक। ठीक है, एक इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होता है वो जो है प्योर सेमीकंडक्टर होता है, और जैसे कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है,
तो जर्मीनियम और सिलिकॉन जो है ये फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उनमें होता है, फोर्थ ए में जो है पाया जाता है। फोर्थ ए मीन्स पीरियोडिक टेबल में फोर्थ ए में पाया जाता है सेमीकंडक्टर, इसको मेटलॉयड भी कहते हैं। ठीक है, और इनमें इनकी जो वैलेंसी होती है ये फोर होती है। ठीक, और जो एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी मिला देते हैं, यानी कुछ मेटल्स या नॉन मेटल का जो है उसमें डोपिंग कर देते हैं। मीन्स हम मेटल का ही डोपिंग करते हैं बेसिकली, और ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी जिसकी वैलेंसी 5 हो, यानी फिफ्थ ए और थर्ड ए के एलिमेंट को हम उसमें मिला देते हैं किसमें, एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं, यानी पेंटावेलेंट 5 वैलेंसी जिसमें होती है, ठीक है, 5 वैलेंसी का जो एलिमेंट है जैसे कि फास्फोरस। ठीक है, तो फास्फोरस को जब हम यहाँ पर फास्फोरस की बात करेंगे, जब हम फास्फोरस को उसमें मिला देते हैं तो फास्फोरस को उसमें मिलाने से वो क्या होगा, हम इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फास्फोरस को हम कैसे मिलाते हैं इसमें, ये चीज़ देख लेते हैं। तो हमारा ये फास्फोरस है और हम मान लेते हैं कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, ये सिलिकॉन है। ठीक है, तो इसमें जो है हम फास्फोरस मिलाएंगे, तो यहाँ पर फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इस तरह से। ठीक है, सिलिकॉन के पास केवल 4 होंगे, सिलिकॉन के पास केवल 4 होंगे। ठीक है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से ये शेयर करेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर में बच जाएगा, यानी स्फेयर में बच जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे, अगर यहाँ फास्फोरस मिलाएंगे तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है ना, ये सिलिकॉन है, ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, सेम एज यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है निकल के आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा। ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा इम्प्योरिटी हम करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और सेमीकंडक्टर क्रिस्टल से, तो उसको हम कहेंगे कि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, यानी जो फास्फोरस है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनको हम अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम से ऐड कर दें, उसमें डोपिंग कर दें, यानी ऐड अप ऑफ इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग। ठीक है, तो वो डोपिंग अगर हम कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एन टाइप का इलेक्ट्रॉन बन जाता है। अब हम पी टाइप की बात करेंगे, तो पी टाइप इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं हम, तो पी टाइप जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आप देखें यहाँ पर जो इसमें ले लेते हैं हम बोरान ले लेते हैं। ठीक है, और इसको जब हम इम्प्योरिटी इसमें मिलाते हैं तो, या एल्युमिनियम ले लेते हैं, सिंपल एल्युमिनियम। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। यहाँ पर सिलिकॉन, इसकी वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास। यहाँ पर सिलिकॉन ले लेते हैं, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिलिकॉन, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके साथ। यहाँ पर सिलिकॉन, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये इसके साथ तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना लेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बना पाएगा, तो यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस होल को हम हिंदी में कोटर कहते हैं। तो इस होल की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसको हम पी टाइप इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इसमें एक्सेप्टर आयन ज़्यादा होते हैं और एन टाइप में डोनर एटम्स जो है होगा इसमें। ठीक है, यानी कोवेलेंट बॉन्डिंग में यही होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो और जो दे दिया उसको हम कहते हैं कि डोनर, और जो ले लिया उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। आप लोग वीडियो में ध्यान रखिए, हम अगले उसमें पढ़ेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है।
कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।